हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों में मीठा खाना किसको नहीं पसंद, तो आइए चलिए आज कुछ मीठा बनाते हैं। आपने रसमलाई तो बहुत खाई होगी, क्या आपने ब्रेड की रसमलाई खाई है? तो आइए चलिए ब्रेड की रसमलाई बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा लीटर दूध, कुछ ब्रेड के स्लाइसिस, शुगर, काजू, बादाम, पिस्ता और इलायची पाउडर। तो सबसे पहले हम दूध को बॉयल कर लेते हैं। एक पैन में दूध डालेंगे, दूध को अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे। जितनी देर में हमारा दूध में दूध बॉईल होता है, उतनी देर में हम ब्रेड को कट कर लेते हैं। इसको सर्कल शेप में कट करेंगे। इसके लिए आप कोई भी कटोरी ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, या फिर कोई भी आप पे शेप पर हो आप उससे भी कट कर सकते हैं। तो इसको हम सर्कल शेप में दबा के कट कर लेंगे। सारी ब्रेड के स्लाइसेस को हम ऐसे ही सर्कल शेप में कट कर लेंगे। ऐसे ही सारी ब्रेड को हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। दूध हमारा बॉयल हो गया अच्छे से। अब इसमें हम चीनी मिला देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे भी आप खाना पसंद करें, कम या ज़्यादा। और दूध को अच्छे से साइड साइड से सब चला लेंगे। दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो रहा है। इसको हम अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। आप चाहो तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हो, या फिर हल्दी कर लीजिए। हल्दी सेहत के लिए भी अच्छी होती है, तो इसलिए मैंने हल्दी यूज़ की। दूध की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेंगे। दूध को अच्छे से हम उबाल लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, थोड़े से बादाम डालेंगे, थोड़े काजू और थोड़े से पिस्ता ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा और गाढ़ा होने तक हम दूध को पकाएंगे। दूध हमारा एकदम तैयार है, जैसी हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अगर हम गर्म दूध ब्रेड में डालेंगे तो ब्रेड घुल जाएगी, तो इसलिए हम इसको ठंडा करके डालेंगे। दूध जब तक हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम ब्रेड से रसमलाई बना लेते हैं। इसके लिए हम एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे, उसको दूध में डिप करेंगे। दोनों साइड से अच्छे से डिप करेंगे। अच्छे से डिप हो गई है। अब इसको हम सारे दूध को अच्छे से निचोड़ लेंगे। दूध अच्छे से हमने निचोड़ लिया है। अब इसमें हम थोड़े पिस्ता डालेंगे, थोड़े से काजू, थोड़े बादाम और इसको हम रसमलाई की शेप दे देंगे। अच्छे से इसको हम चारों तरफ से बंद कर देंगे। अच्छे से ये बन गया है। अब इसको एक प्लेट में रख लेते हैं। ऐसे ही हम दूसरी स्लाइस लेंगे, उसको डिप करेंगे दोनों तरफ से अच्छे से। और फिर इसके सारे दूध को अच्छे से स्क्यूज कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी पिस्ता रखेंगे, थोड़े काजू, थोड़े बादाम और ऐसे ही हम सारे ब्रेड के स्लाइसेस से रसमलाई बना लेंगे।
बहुत ईजी सी रेसिपी है, झट से बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। कितने अच्छे से बन गया, अब इसको हम प्लेट में रख लेते हैं। रसमलाई हमारी बनकर तैयार है, अब इसमें हम दूध डाल देते हैं। खाने में जितनी टेस्टी होती है बनाने में उतनी ही आसान है ये। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा काजू बादाम और पिस्ता डाल देंगे ऊपर से। ब्रेड की रसमलाई हमारी बनकर तैयार है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये। आप अपने घर में ज़रूर बनाकर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।